जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन 10 महाविद्याओं को माँ दुर्गा के 10 अवतार माना गया है। माँ दुर्गा को सिद्धि देने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। दोस्तों ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोड़शी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे माँ काली की। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता भी स्वभाव से ऐसी ही हैं। इसीलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। माता का स्वरूप है हाथ में त्रिशूल और तलवार। पूजा के लिए इनका विशेष दिन है शुक्रवार और अमावस्या। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। काली को ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा के मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है माँ तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तंत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। दोस्तों चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के द्वारा माता तारा की सर्वसिद्धिदायक पूजा की जाती है। तारा माँ को जागृत करने के लिए ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। दोस्तों तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का जाप कर इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। इनका मंत्र है ह्रीम भुवनेश्वराय ह्रीम नमः। दोस्तों पांचवें नंबर पर है छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप से करने पर उग्र रूप में दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। दोस्तों माता का मंत्र है श्रीम ह्रीम एम वज्र विरोचानीय हिम फट स्वाहा। दोस्तों छठी महाविद्या है भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है ह्रीम भैरवी कलोम ह्रीम स्वाहा। सातवीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से
व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। दोस्तों आठवें नंबर पर है बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा आराधना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के तीन प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी दैव्य ह्रीम ओम नमः। ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय हिव्या कीलम बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा है। नवी महाविद्या है मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। इनका मंत्र है ओम ह्रीम ए भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। दोस्तों दसवीं महाविद्या है कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि धन नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। इनका मंत्र है हसो जगत प्रसुत्याय स्वाहा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया 10 महाविद्याओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही हम आपको मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।